हाय ब्यूटीफुल पीपल, आज हम साथ मिलकर करेंगे स्मॉल स्पेस वर्कआउट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर से बाहर जाके रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग नहीं कर सकते, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ बहुत ही बेसिक और इनिशियल लेवल वर्कआउट। वार्म अप बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपकी बॉडी को रेडी करता है किसी भी तरह का योगा, स्ट्रेचिंग या वर्कआउट के लिए। ये बेसिक वर्कआउट इतना इजी है कि आप आराम से अपने घर में किसी भी छोटे स्पेस में अपना योगा मैट लगा के मेरे साथ ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। वार्मअप के बाद हम अपना फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जो है बेंडिंग। बेंडिंग बहुत ही प्रॉपर ढंग से करना है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, मेरा बैक फ्लैट है, मेरे नीज बेंड नहीं है, मेरे शोल्डर ऊपर नहीं है। ट्राई करिए कि आप अपने बैक को जितना स्ट्रेट रख सकते हैं उतना स्ट्रेट रखिए। इनिशियली आप जितना बेंड कर सकते हैं आप उतना ही बेंड करिए। बेंडिंग हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? ये हमारे बैक को, हमारे जॉइंट्स को और हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। हमारा सेकेंड एक्सरसाइज है नी बेंडिंग। हमें अपने नी को ज़्यादा फोल्ड नहीं करना, अपने शोल्डर को झुकाना नहीं है, अपने बैक को स्ट्रेट रखना है और ट्राई करना है कि हम सीधे फोकस करते रहें। मुझे पता है आप भी हमारे साथ ये वर्कआउट ज़रूर कर रहे होंगे। ये हमारी नीज, हमारे लेग, हमारी जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। हमारा थर्ड एक्सरसाइज है रोटेटिंग हैंड। आपको अपने हैंड को स्ट्रेट रखना है और बहुत ही स्ट्रॉन्गली उसको रोटेट करना है। हाथ को लूज करके रोटेट कर रहे हैं, शोल्डर को बेंड करके रोटेट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितने स्ट्रॉन्गली और फर्मली हम अपने हाथ को रोटेट करेंगे, हमारे हाथ की मसल उतनी वर्क कर रही होगी, दैट मीन्स उतना आप बर्न कर रहे हो। तो ट्राई करिए आप अपने हाथ के पोस्चर को मेंटेन रखिए। वाओ, यू रियली डूइंग गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हमारा फोर्थ एक्सरसाइज है नी बेंडिंग एंड वॉकिंग। मैट के एक एंड से आपको नी बेंड करना है और वॉक स्टार्ट करना है। बिल्कुल स्लोली आप वन कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक वॉक करके आएंगे। इनिशियली शायद आप बहुत ज़्यादा बेंड ना कर पाए, इट्स ओके, आप थोड़ा बेंड करिए और वॉक करिए मेरे साथ। ट्राई करना है अपने बैक के पॉस्चर को मेंटेन करना है। बैक के पोस्चर को स्ट्रेट रखिए, नी बेंड रखिए। ये एक्सरसाइज एक्चुअली फैट बर्न करता है। ये बेसिक वर्कआउट इतना इजी है कि आप आराम से अपने घर में किसी भी छोटे स्पेस में अपना योगा मैट लगा के मेरे साथ ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं हम अपना फिफ्थ एक्सरसाइज। इसमें आपको स्टैंडिंग पोजीशन से प्लैंक के पोजीशन में जाना है और प्लैंक के पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन में आना है।
आप चाहे तो अपना नी बेंड कर सकते हैं, इनिशियली आप नी बेंड करके भी ये वर्कआउट कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ करते हैं ये वर्कआउट। आई नो आपको थोड़ी तकलीफ हो रही होगी, इनिशियली ये बहुत पेनफुल होता है, बट ट्रस्ट मी वर्कआउट करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज मेरा फेवरेट एक्सरसाइज है, ये है प्लैंक पोजिशन। ये आपके इंटायर बॉडी को स्ट्रांग बनाता है, आपके बैक को स्ट्रांग बनाता है, आपके हैंड को स्ट्रांग बनाता है, या आपके हैंड मसल को टारगेट करता है, लेग मसल को टारगेट करता है, यहाँ तक कि आपकी टमी, आपके बेली फैट को भी टारगेट करता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, तो इनिशियली आप जैसा कि मैं कर रही हूँ, नी को फ्लोर पे रख के आप इनिशियली एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाँ, अपने बैक को बेंड मत करिए और अपने शोल्डर को डाउन नहीं करिए। तो चलिए 30 सेकेंड का करते हैं ये अमेजिंग वर्कआउट जो आपके इंटायर बॉडी के फैट पे वर्क करता है। गर्ल्स रिमेम्बर, ये आपके बेली फैट को टारगेट करता है। If you want that bikini body, you have to do this with me. आपको पता है मैंने अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज अपनी कैट से सीखा है। एक्चुअली इसको मैं कैट एक्सरसाइज ही कहती हूँ। ये आपके अपर और लोअर बैक, जिसको हम कमर कहते हैं, उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो सारे लोग जिनको बैक पेन रहता है उनको काफ़ी रिलीफ मिलने वाली है। आप देख रहे हैं कैसे मैं अपने बैक को स्ट्रेच कर रही हूँ, मतलब ऊपर की तरफ, और फिर स्ट्रेच करके मैं इसको नीचे की तरफ लेके जा रही हूँ। आप जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना ही स्ट्रेच करिएगा। धीरे 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 आपकी बॉडी और फ्लेक्सिबल होगी, आप अपने बैक को और ज़्यादा स्ट्रेच कर पाएंगे, पर इनिशियली अपने आप को ज़्यादा प्रेशर ना दें। ये एक्सरसाइज आपके बेली फैट को टारगेट करता है, आपके बैक फैट को टारगेट करता है और आपके नेक को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो चलिए 30 सेकेंड करते हैं ये वर्कआउट। बहुत ही अमेजिंग वर्कआउट है क्योंकि ये आपके बैक को स्ट्रांग बनाता है। हर दिन हम ऑफिस में इतनी देर बैठते हैं, हमारा बैक हमारे पूरी बॉडी का वेट उठाता है, तो अपने बैक को स्ट्रेच करें और अपने आप को स्ट्रांग बनाएं। बैक एक्सरसाइज करने के बाद हम स्ट्रेचिंग करेंगे। आप देख रहे हैं कैसे मैं अपने हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश कर रही हूँ। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह आप भी ट्राई करें कि आप अपने हाथों को आगे स्ट्रेच करें, उससे आपका हैंड स्ट्रेच होगा, आपका बैक स्ट्रेच होगा। अभी हमने जो भी एक्सरसाइज किया है वो सारे एक्सरसाइज आपके बैक को, आपके हैंड मसल को टारगेट करते हैं, तो उन्हें थोड़ा ईजी करने के लिए, थोड़ा लूज करने के लिए हमें स्ट्रेचिंग करते हैं। अब एक प्रॉपर वे में हम स्टैंड करेंगे स्ट्रेच करके, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं कर रही हूँ। नमस्ते, आई होप आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय। हम फिर मिलेंगे बहुत सारे अमेजिंग एक्सरसाइज और स्किन केयर रूटीन के साथ।